गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने 9th क्लास के एक नया चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के। और जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में एक नदी बह रही है, तो जाहिर सी बात है कि आज हम बात करेंगे नदियों के कंडीशन पर। और जब बात नदियों की कंडीशन पर करेंगे तो इन नदियों से मुझे एक कविता याद आ रही है जिसके बारे में किसी ने लिखा है, बूंद बूंद संग्रहित कर अपना वजूद ये बड़ा बनाती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियाँ ये हमें सिखाती हैं। जब चलना आरंभ ये करती अस्तित्व बहुत छोटा होता, राह भी दुर्गम होते हैं और चलना भी दूभर होता, हार न फिर भी मानती हैं बस आगे बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियाँ ये हमें सिखाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज हम नदी के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है और इस चैप्टर के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में नदियों कि क्या कंडीशन है, मेनली कितनी तरह की नदियां हैं और उन नदियों के बारे में हम डिटेल्स में आज बात करेंगे। तो आइए चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपके इस चैप्टर के शुरू में ही ड्रेनेज सिस्टम को डिफाइन किया गया है और उसकी डिफिनेशन को देते हुए बताया गया है कि द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका, वेयर इन इंडिया इट इज़ ऑफ द गंगा रिवर। जाहिर सी बात है कि अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है जो कि एक बहुत बड़ा एरिया पानी से कवर्ड होता है। और दुनिया के सबसे बड़े अगर हम वाटर बेसिन की बात करें तो जाहिर सी बात है अमेजॉन रिवर है, लेकिन हम यहाँ पे अमेजॉन के बारे में नहीं, हम यहाँ पे इंडिया के रिवर सिस्टम पर बात करेंगे। और एक नदी ऐसी कंडीशन होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि एनी एलिवेटेड एरिया सच एज द माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन विच इज़ कॉल्ड ए वाटर डिवाइड। यानी कि एक ऐसी उठी हुई कह सकते हैं भूभाग, जमीन का एक ऐसा पार्ट जो कि जहाँ से नदियाँ दो भाग में डिवाइड होती हैं उसको वाटर डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो हम और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नदियों को लेकर के किस तरह की और क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपके बुक में दिया गया है। भारत में नदियों की जो कंडीशन है उस नदियों को हम दो भागों में बांट करके समझ सकते हैं। इंडियन रिवर सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले को हम हिमालयन रिवर के नाम से समझ सकते हैं और दूसरे को पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है। हिमालयन रिवर्स में इंडस रिवर, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे। और पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं। इन नदियों के बारे में हम थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस के बारे में बता दें कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उसको पर्नियल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये ऐसी नदियां हैं जिसमें सालों भर पानी की जो उपस्थिति है वो बनी रहती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर या जो हम कह सकते हैं कि खास करके भारत के साउथ में जो बहने वाली मोस्टली नदियां हैं उन नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता, यानी कि बरसात के दिनों में ये नदियाँ पानी से बिल्कुल भर जाती हैं, जबकि बरसात के ख़त्म होने तक या फिर मान करके हम चलें कि जनवरी या फरवरी तक आते आते इन नदियों का पानी का जो लेवल है वह काफ़ी कम हो जाता है, या फिर मई जून तक आते आते यहाँ की जो पानी है वो सूखने की स्थिति में आ जाता है। तो ये दोनों नदियों के बीच का एक सबसे बड़ा डिफरेंसेस है। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं और अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके क्या फीचर्स हैं और उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं और एक बहुत बड़े एरिया को कवर करने के साथ साथ उस एरिया या उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों का जो लाइवलीहुड है इन नदियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हिमालय से निकलने वाली अगर नदियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें इंडस रिवर सिस्टम या हिंदी में इसको हम कह सकते हैं सिंधु नदी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि रिवर है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसे नदी को सिंधु संस्कृत में कहा जाता है, ग्रीक भाषा में सिंथोस के नाम से जाना जाता है, लैटिन भाषा में सिंधुस के नाम से जाना जाता है। और आगे और भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है जिसमें कि मेजर रिवर्स के हिसाब से बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा इंडस
की जो हम बात करने जा रहे हैं वो लगभग 2880 किलोमीटर की टोटल इसकी लंबाई है, और भारत में अगर हम बात करें तो लगभग ये 710 किलोमीटर एरिया को कवर करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम का जो उद्गम है या फिर जो ओरिजिन जो एरिया है वो मानसरोवर लेक से होती है, और ये पश्चिम की तरफ से भारत में एंटर करती है, जो कि लद्दाख में एंटर करती है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ने वाला ये एरिया है। इसके अलावा इसके कई सारे कह सकते हैं कि ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, सहायक नदियां हैं, जिसे हम जस्कर, न्यूब्रा, श्योक एंड हुंजा इस सब सारी नदियों के नाम से हम इनको जानते हैं, और ये सारे सारे कश्मीर रीजन में पड़ने वाली मेन नदियां हैं। इसके अलावा इंडस की अगर हम बात करें तो ये बलिचिस्तान बलितिस्तान और गिलगित से होते हुए ये माउंटेन एट एटॉक यानी कि एटॉक के पहाड़ियों की तरफ ये बहती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम इनके साथ ये मिलती हैं मिठानकोट पाकिस्तान में। इस नदी के बारे में ये भी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो नदी है वो साउथ वॉर्ड यानी कि लगभग ये दक्षिण की दिशा में पहुंचती है बाद में, फिर ये और जाकर के अरेबियन सागर में जाकर के मिल जाती है, जो कि कराची के पोर्ट के पास में पड़ने वाला पाकिस्तान में एक जगह है कराची पोर्ट, वहाँ पर जाकर के अरेबियन सी में ये मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें, जैसे कि मैंने बताया लगभग ये 2880 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ है, और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये भी दुनिया की एक बहुत बड़ी लंबी कह सकते हैं या लंबी नदियों की सूची में ये शामिल है। और यहाँ पे डिटेल्स भी आपके सामने दिख रहा है कि इसकी क्या कंडीशन है, तो यहाँ से भी समझा जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली दूसरी और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है गंगा रिवर। गंगा रिवर पर आइए हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। गंगा नदी के हिसाब से अगर हम बात करें तो गंगा जो कि हिमालय के गंगोत्री से निकलने वाली एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट रिवर है, और ये अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और वहाँ गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा और अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यमुनत्री हिमनद से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी निकलती है, जो कि इलाहाबाद के प्रयाग में जाकर गंगा से मिल जाती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें, गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और हुगली नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है और वहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बड़ी नदियाँ यानी गंगा एवं यमुना ब्रह्मपुत्रा के नाम से बांग्लादेश में मिल जाती हैं, और इसे पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में ही मेघना नदी पद्मा नदी में चांदपुर जिला बांग्लादेश में मिलती है, इसके आगे इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, और ये फाइनल बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर विश्व की हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी और डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगा नदी भारत में मेनली पांच कह सकते हैं कि स्टेट्स से पास होती है, गुजरती है, जिसके बारे में हम बात करें तो उत्तराखंड जो कि इसका ओरिजिन प्लेस है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, जो कि झारखंड में हम कह सकते हैं कि गंगा नदी की अगर हम लंबाई के हिसाब से बात करें तो सबसे कम एरिया झारखंड में कवर करती है, और उसके बाद फाइनली ये पश्चिम बंगाल में जाकर के नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं।
यानी कि अगर ये हम कहें कि ये पश्चिम बंगाल में भी कवर करती हैं, जो कि ये पांचवा स्टेट है, तो ऐसे हम समझ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में तीसरी और जो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय नदी से निकलने वाली एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदियों में शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास ये चेम्यांगुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र के टोटल अगर हम लेंथ की बात करें तो ये लगभग 2900 किलोमीटर है, और इस नदी का जो ज़्यादातर भाग है वो चीन में बहती है। चीन में इसका नाम यारलंग सांगपो है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी कि चीन से होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नामचा बारवा नामक पहाड़ी चोटी के कारण इसको यू टर्न घुमा करके आना पड़ता है, यानी कि नामचा बारवा की जो हम बात कर रहे हैं उस पहाड़ी की वजह से भारत में ये नदी टर्न करती है, और टर्न करने के बाद भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग और लेहित नदी इसकी कह सकते हैं कि ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती हैं। यहाँ पर माजुली हम कह सकते हैं कि आइलैंड्स भी बनाता है, जो कि कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में बनने वाली सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि ये एक आइलैंड्स है जो नदी में बनती है। इसे माजुली द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नदी में बनने वाला सबसे बड़ा आइलैंड्स है। आगे चलकर ये नदी आसाम में एंटर करती है और इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र, ये सब सारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ने वाले बड़े शहर हैं। सुबनसिरी नदी असम में इसमें मिलती है, और मानस नदी भी इसी में आकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के हिसाब से अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में, या फिर कहते हैं कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें चीन में, जैसे मैंने आपको बताया यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या डीह भी कहा जाता है, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और यह आगे चलकर नदी बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके मेन ट्रिब्यूटरीज अगर रिवर्स के हिसाब से अगर बात करें, इसकी मेन सहायक नदियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें है पगलादिया, धनसिरी, जियाबरेली, पुथीमारी, धनश्री, सुबानसिरी, मानस, ये सब सारे वो नदियां हैं जो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे और उनके फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सामने के इस इंडिया के मैप पे हम कह सकते हैं कि पेनिनसुलर रिवर की जो कंडीशन है उन नदियों को इस मैप में दिखाया गया है, और इन नदियों को अगर हम इस मैप के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसा कि क्लियर पता चलता है कि पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं भारत में वो मोस्टली जो है वेस्टर्न घाट की कह सकते हैं कि एक प्रमुख नदियां हैं, या फिर कह सकते हैं कि साउथ की एक मेन रिवर्स हैं। और इसमें हम बता दें आपको कि पेनिनसुलर रिवर्स की ज़्यादातर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। इसके अलावा अगर जैसे नर्मदा नदी के हिसाब से बात करें तो इसका जो निकलने का जो जगह है वो अमरकंटक, यानी कि जो इसका ओरिजिन प्लेस है वो अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, या वेस्ट के साइड में एक घाटी में बहती है। नर्मदा की जितनी सारी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं, यानी कि सहायक जो नदियां हैं, ज़्यादातर वो 90 डिग्री के जस्ट एंगल की टाइप की बनती हैं, और वो नर्मदा नदी के साथ मिल जाती हैं। नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में भी ये नदी फैली हुई है। तापी नदी की अगर हम बात करें तो तापी की अगर हम बात करें तो ये जो नदी है मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के सतपुड़ा जो रेंज है वहाँ से ये नदी निकलती है। ये नदी के पैरेलल में कुछ नदियाँ हैं जो बहती हैं, लेकिन इनकी लंबाई बहुत कम है। इस नदी में हम नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में है,
और पश्चिम यानी कि वेस्ट की साइड में जो बहने वाली नदियां हैं उनमें साबरमती, माही, भरतपूजा तथा पेरियार ये मेन नदियां हैं। साउथ की ही बहने वाली नदियों में अगर हम महानदी के हिसाब से बात करें तो ये जो नदी है छत्तीसगढ़ की हाईलैंड से निकलती हैं। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से निकलते हुए यह नदी उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और इसका जो हम कह सकते हैं कि जो ड्रेन्स पार्ट है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 860 किलोमीटर है। साउथ की बहने वाली नदियों में अगर हम कृष्णा नदी के हिसाब से बात करें तो ये महाबलेश्वर के निकट से ये नदी निकलती है। यहाँ पे निकलने के साथ साथ यहाँ की इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं या जो सहायक नदियां हैं वो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, इसकी कह सकते हैं कि ये ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं। इसके अलावा इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1400 किलोमीटर की है और इस नदी की जो हम कह सकते हैं कि जो फैलाव है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैली हुई। इसी क्रम में अगर हम कावेरी की बात करें तो कावेरी का जो एक ओरिजिन एरिया है वो ब्रह्मगिरी कह सकते हैं कि रेंज से निकलती है और कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं उन नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी कह सकते हैं कि इसकी जो मेन ट्रिब्यूटीज रिवर हैं ये सब सारी नदियां हैं। फिर से बता दूं, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, इसकी जो टोटल लंबाई है 760 किलोमीटर यानी कि 760 किलोमीटर है और इस नदी की तमिलनाडु, केरला तथा कर्नाटक में हम कह सकते हैं कि नदी फैली हुई है। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा कह सकते हैं कि ईस्ट साइड से इसमें बहने वाली नदियां हैं और कह सकते हैं कि ये जो नदियां हैं यानी कि भारत के ईस्ट साइड से बहती हैं। इसके अलावा मेन ट्रिब्यूटरीज जैसा कि आप इसमें नोट्स में भी देख सकते हैं कि इसमें अमरावती है, भवानी, हेमावती एंड काविनी है और इट कवर्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इस चैप्टर में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फिर आता है लैक्स की। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये एक लैक्स का एक पिक्चर है, तस्वीर है, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। लेक्स के अगर हिसाब से अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि लेक्स कहीं ना कहीं ह्यूमन का जो एक लाइवलीहुड है उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो लेक्स हैं धीरे धीरे एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप होता चला जाता है और टूरिस्ट प्लेस में डेवलप होने के साथ ही ये हम कह सकते हैं कि लोगों के एंटरटेनमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें कि आप बात कर सकते हैं बोटिंग की, बात कर सकते हैं स्विमिंग की, बात कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं। ये सब सारे वो कंडीशंस हैं जो कि लेक्स से इतने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं या नॉर्मली होता है। जब हम लेक की बात कर रहे हैं तो भारत में भी बहुत सारे लेक्स हैं और लेक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत में जो सबसे कह सकते हैं कि जो फेमस है वो कश्मीर का डल लेक है जो कि हर साल हज़ारों टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं। विज़िट करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ज़्यादातर भारत के जो लेक हैं वो पर्नियल हैं जिसमें कि सालों भर पानी रहता है और कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो कि बारिश के दिनों में या रेनी सीज़न में वो अचानक से भर जाता है। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर का भी एक बहुत बड़ा स्टोरेज होता है और हिमालय रीजन में जो पाए जाने वाले ज़्यादातर जो लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर के लिए जाने जाते हैं। वुलर लेक की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर का लेक है जो कि इंडिया में ही है। इसके अलावा अदर अगर फ्रेश वाटर लेक्स की अगर हम बात करें तो डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बारपानी ये सब सारे वो फ्रेश वाटर के बड़े लेक्स के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सागर हैं जो कि फॉर्म बाय द डैमिंग ऑफ वाटर यानी कि लेक्स पे जो बनने वाले जो डैम्स हैं उसमें गुरु गोविंद सागर का भी नाम आता है। तो ये है लेक्स से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। थोड़ा और भी हम बात करते हैं
लैग से जुड़ी हुई अगर हम और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है कि ये पानी को एक तरह से रेगुलेट करता है, यानी कि एक तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ के रूप में काम करता है। काम करने के साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये रेनफॉल होने के बाद या बारिश की कंडीशन के बाद एक अच्छे खासा पानी को अपने यहाँ स्टोरेज कर लेता है, और वो जो स्टोरेज पानी है वो बाद में वहाँ की जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो अपने ढंग से उसे यूटिलाइज करता है। इसके अलावा लेक के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये फ्लड्स को कंट्रोल करता है, और ख़ास करके जो ड्राई सीज़न होता है यानी कि वाटर या रेन का जो सीज़न होता है उसके ऑफ होने के बाद उसका पानी काफ़ी हद तक ह्यूमन अपने पर्पस में यूज़ करता है, या होने वाले उस एरिया में पानी की कमी को काफ़ी हद तक लेक्स कमी को पूरा करता है। और इसके अलावा और भी अगर हम बात करें लैग से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस की अगर हम बात करें, तो ये जो है इसमें हाइडल पावर को भी क्रिएट किया जाता है। हाइडल पावर को क्रिएट करने के साथ ही यहाँ के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बिजली की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा इसके जो आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे एक्वेटिक सिस्टम को डेवलप किया जाता है। नेचुरल एनवायरनमेंट को भी डेवलप करने में लैक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इससे एक्वेटिक सिस्टम तो डेवलप होता ही है, इसके अलावा ये टूरिज़्म को भी डेवलप करता है, और यहाँ आसपास में जो रहने वाले लोग हैं वो टूरिंग सेक्टर में भी कह सकते हैं कि अपने आप को जोड़ते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा लाइवलीहुड यहाँ से चलता है। इससे आगे अगर बढ़ें तो लगभग कहा जाता है कि पूरे दुनिया का 71% जो दुनिया का जो एरिया है वो लैक के वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इसके अलावा लगभग 97% पे साल्ट वाटर है, और उसके 3% पे फ्रेश वाटर की एबिलिटी है, और उसमें भी ये जो 3% है एक आइस के रूप में कह सकते हैं कि स्टोर्ड है। तो लैक्स से रिलेटेड ये सब सारे वो इन्फॉर्मेशंस हैं जिसे कि आपको जानना ज़रूरी है, और ये आपके एग्ज़ाम पर्पस के भी हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम लैक्स को समझने की कोशिश कर ही रहे हैं तो ये भी जानते चलें कि जो नेचुरल लैक्स है वो एक बड़े वाटर बॉडीज़ को हम कह सकते हैं कि स्टोरेज का एक बहुत बड़ा मीडियम होता है। इसके अलावा फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन एस्टेटिजी नेचुरल लैक्स आर डिफाइंड एज द स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ लार्जर दैन 20 acres। इसके अलावा दीज लैक्स आर जनरली फाउंड इन द माउंटेन्स एरिया एरियाज विच रिफ्ट जोन एंड एरिया विद ऑन गोइंग ग्लैसिएशन। तो यानी कि ये सब सारे वो फीचर्स हैं, आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि लैक्स के बारे में आपको 3, 4 या 5 पॉइंट्स में लिखने के लिए कहा जा सकता है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लिख पाएंगे। इस चैप्टर में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको पढ़ना है रोल्स ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। जाहिर सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नदियों की जब हम इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक तरह से मानव के इतिहास से भी पुराना इतिहास है नदियों का। और नदियों के अगर हम इकोनॉमी में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इरिगेशन में, नेविगेशन में और हाइड्रो पावर जनरेशन में इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है, और इस इम्पॉर्टेंट रोल में कह सकते हैं कि नदियों का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस ड्रेनेज सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नदियों के कंडीशंस को भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और नदी के इम्पॉर्टेंस के बाद ये भी एक जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नदी का पॉल्यूशन, और नदियों के पॉल्यूशन होने के कई सारे खतरे हैं और उसके कई सारे नुकसान भी हम लोगों को झेलना पड़ता है। अब नदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो नदी का जो पानी है वो हमारे घर की बहुत सारी घर से जो निकलने वाली बहुत सारी जो गंदगी हैं वो लगातार हम नदी में फ्लो करते हैं। नदी में फ्लो करने की वजह से कहीं ना कहीं नदी का पानी गंदा होता चला जाता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नदियों का जो पानी है वो प्रदूषित होता है। प्रदूषित होने के साथ साथ इसमें जो रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाले कह सकते हैं कि जो
चीज़ें हैं जो फाइनली एक रिलीज़ किया जाता है बिना रिसाइकल्ड के, उसमें भी बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें मिक्स होती हैं जो कि नदी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। यानी कि उससे निकलने वाले जो गंदे पानी हैं, उससे निकलने वाले और भी नदी को पॉल्यूट करने वाले और भी कई सारे रीजंस हैं जो कि नदी में जब फाइनली ये फ्लो किया जाता है तो उसके काफ़ी नुकसान हम सबको झेलना पड़ता है। इसके अलावा नदियों कि अगर हम बढ़ते पॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी कई सारे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने प्लान लॉन्च किया है जिसे हम बेहतर ढंग से अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो उसे इम्प्लीमेंट करके हम नदियों के बढ़ते हुए पॉल्यूशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नदियों के बढ़ते हुए प्रदूषण को अगर हम रोकने की बात करें तो हालांकि उससे कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक तरीका ये है कि अगर नदियों के प्रदूषण के हिसाब से अगर हम बात करें, पॉल्यूशंस के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो फैक्ट्री से निकलने वाले फाइनल जो हम कह सकते हैं कि जो एक वेस्टेज जो मटेरियल है उसका हम कह सकते हैं कि एक तरह से रिसाइकल होना ज़रूरी है। और रिसाइकल होने से हम पॉल्यूशंस के जो लेवल हैं उनको हम काफ़ी कम कर सकते हैं। इसके अलावा जितने सारे जो हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं यानी कि जो सीधे तौर पे हार्म करने वाली चीज़ें हैं उनका भी रिसाइकल होना ज़रूरी है, या फिर उसको फाइनली नदी में फ्लो करने से पहले उसका एक तरह से ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का जो छिड़काव है वो समय समय पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पे जो समुद्र में जो किए जाने वाले जो टेस्टिंग के जो वर्क हैं उसको भी रोक लगा देना चाहिए, या फिर उस पर भी काम किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं होने से हम समुद्र के पानी को काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि पॉल्यूटेड कर रहे हैं, या हर साल जो इसकी मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। जैसा कि एक बैकग्राउंड में आपको पिक्चर भी दिख रहा है, इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नदियों के प्रदूषण को बढ़ाने में लोगों की जो भूमिका है वो किस तरह से अपना एक रोल प्ले करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नदी में नहाने से या फिर नदी के किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनकी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिससे नदियों का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से आपको जो बुक में पढ़ना है कि बढ़ते हुए नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए एक भारत सरकार की स्कीम आई थी जिसे NRCP के नाम से जाना जाता है, जिससे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के नाम से जाना जाता है। ये जो था वो इनिश ये कह सकते हैं इसके बारे में कि दिस एक्टिविटीज़ ऑफ गंगा एक्शन प्लान यानी कि गैप फेज 1 इनिशिएटेड इन 1985 यानी कि 1985 में सबसे पहले ये कह सकते हैं कि ट्रेंड में आया था, और जो कि ये 31 मार्च 2000 को बंद भी हो जाना था। इसमें क्या था कि ये जो NRCP का जो प्रोग्राम था इसमें मेनली गंगा को लेकर के एक स्कीम थी भारत सरकार की, जिसमें कि इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण को कंट्रोल करना था। और इसमें मेनली कहा यह गया था कि NRCP में गंगा के किनारे जो मेनली जो 57 टाउन्स हैं, उस 57 टाउन से जो निकलने वाला जो कचरा है या निकलने वाले जो कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं जिससे नदी प्रदूषित हो रही है उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हज़ारों या लाखों कह सकते हैं कि जो लिक्विड के फॉर्म में जो मटेरियल है जो नदी को पॉल्यूट करता था उसको सीवीज सिस्टम से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी था। और इसके अलावा डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड एवरी इन द डे दिस प्रोग्राम यानी कि सीधे सीधे बात है कि इसमें जो निकलने वाले जो वेस्टेज मटेरियल था उसका ट्रीटेड होना ज़रूरी था, यानी कि उसे उपचारित किया जाना ज़रूरी था, उसके बाद ही हम उसे फाइनली अगर हम नदी में फ्लो करते हैं तो काफ़ी हद तक हम नदियों में जो होने वाले पॉल्यूशन हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम, जिसको कि हमने कुछ पिक्चर्स और वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश की। उम्मीद है आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। तो नदी की चर्चा को आज हम लोग यहीं रोकेंगे, क्योंकि नदियों से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशंस थी उस सब को लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया और आज हमने समझने की पूरी कोशिश की है। तो आज यहीं तक हम लोग मिलेंगे फिर से अगले चैप्टर के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया
ज़रूर से ज़रूर दें।